मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, मैं ऑन रेकॉर्ड कह रहा हूँ पाकिस्तान टीम के अंदर कोई सर्जरी हो ही नहीं सकती, जो आप सोच रहे हैं वैसी नहीं हो सकती। आप क्या सोच रहे हैं कि आप बाबर आजम को भेजेंगे, आप शाहीन अफरीदी को भेजेंगे, आप रिजवान को भेजेंगे, आप किसको भेजेंगे? आप इनको भेजने की बात करते हैं, आप भेज सकते हैं इनको? आपने हारिस रऊफ को बैन किया सिलेक्शन सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से, 3 हफ्तों के बाद आपको वापस लेना पड़ा हारिस रऊफ न 3 चो न 13 चो। हाँ, खिलाड़ी कुछ अपनी दोस्ती जारी में भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि आपकी एक दो मूव के बाद ग्रुपबंदी बनी, आपकी एक दो मूव के बाद, ये पहली नहीं थी। ये वो खिलाड़ी थे जो एक दूसरे के लिए जान देने की बातें करते थे, आप एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, क्यों? यही बाबर आजम कप्तान थे। जब नदीम शेट्टी ने कहा मैंने कप्तान चेंज करना है, तो खड़ा हो गया था शाहीन। आज वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, क्यों? जो लोग तारीफ कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड की, वो ये मानते हैं कि वहाब राज ने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाला है, तो फिर उनको लगाने वाला कौन है? असल में दोस्तों, पाकिस्तान में एक अजीब सा माहौल बनाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हो चुका है ना, मोहसिन नकवी साहब बहुत गुस्से में हैं, सबको चीर फाड़ के रख देंगे, सब क्रिकेटर्स अपनी खैर मनाएं, अपने अपने घरों को जाएंगे, मोहसिन नकवी साहब को सब पता चल गया है, और ब्लां ब्लां ब्लां। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई कोलीग्स, कुछ मेरे तबला नवाज सहाफ़ी दोस्त भी ये काम कर रहे हैं, और मुझे पता है ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कईयों ने व्हाट्सअप करनी है मोहसिन नकवी साहब को भी, कि ये देखें जी सहाफ़ी आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, और अभी तक मैं जितना भी काम कर रहा हूँ मैं जो क्रिकेट के ऊपर बात होती है उसके ऊपर ही करता हूँ, मुझे किसी की पर्सनल किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेना भी नहीं है देना भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं, मैं मतलब कोई ऐसा है नहीं मेरा सीन। जो लोग ये कह रहे हैं कि क्रिकेटर अपनी खैर मनाएं, मैं माजरत के साथ मेरे कुछ सवाल हैं उन दोस्तों से भी और मोहसिन नकवी साहब से भी, कि आप, मैं पहले कह चुका हूँ आप क्रिकेट को बेहतर करने के लिए आए हैं और आपकी नीयत भी ये होगी, मैं इस पर शक नहीं कर रहा, मगर मेरा सवाल ये है कि क्रिकेटर्स का क्या कसूर है? आपको क्या लगता है ये क्रिकेटर्स की वजह से हम हारे हैं? आप भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है वहाब रियाज, मुझे कोई एक बंदा बता दे कि मोहसिन नकवी साहब ने वहाब रियाज को, जो क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे उनके हवाले कर दिया है, वो क्राइटेरिया उनकी सीवी में क्या है, वहाब रियाज की सीवी में क्या है, जो अपने सिलेक्शन कमेटी बना रखी है उनकी सीवी में क्या है? कभी वो कोच बनते हैं, कभी वो सिलेक्टर बनते हैं। आप क्रिकेटर्स को कह रहे हैं कि अब तनु कर भिजवा देंगे, आप सिलेक्शन कमेटी को कहिए जनाब आपने सही टीम नहीं चुनी है, सबको पता है उसामा मीर, मोहम्मद अली, अब्दुल्ला शफीक, 3-4 नाम है जो टीम में नहीं है, आप वो 3 नाम टीम डाल के देख लें आपकी टीम सेमीफाइनल खेलती है, और यही क्राइटेरिया ना, आप देखें पूरी दुनिया की टीमें आई हैं सेमीफाइनल में, 4 टीमें आएंगी जिसमें से 2-3 बड़ी टीमें निकलेंगी, क्या उनके चेयरमैन भी ये कह देंगे तुम्हें घर भिजवा दांगा, छुरी मार दांगा, ये कर दांगा, वो कर दांगा, सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगी? आई एम हैप्पी कि सर्जरी हो, बट सर्जरी सिर्फ टीम में नहीं हो, बाकी में भी हो। और मोहसिन नकवी साहब ने जो काम खुद गलत पॉलिसीज ली हैं, सबसे पहले वो ऑन करें, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप बोलिए कि हाँ मैंने वहाब रियाज को गलत लगाया, आप बोलिए मैंने सिलेक्शन कमेटी को गलत लगाया, आप बोलिए कि मैंने जो जो काम किए हैं, जो जो गलत हुए, जो अच्छे भी हुए हैं, आपने जो कोच लगाया बहुत अच्छा लगाया, आपने उसके लिए बड़ी मेहनत की, मैं मानता हूँ इस बात को, मतलब जो गलत है उसको आप भी मानिए कि ये चीज़ें गलत हुई हैं, वहाब रियाज ने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाला, आप जिसको मानिए। ये बहुत से जो लोग तारीफ कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड की, वो ये मानते हैं कि वहाब रियाज ने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाला, तो फिर उनको लगाने वाला कौन है? मैं तो नहीं हूं, मतलब मेरे कहने पे तो कोई नहीं आया, या ये जो टीम सिलेक्शन हुई है उसके ऊपर जो दस्तखत हुए हैं ये मोहसिन नकवी साहब के हुए हैं। आपको अगर ये लगता है कि मोहसिन नकवी साहब आप एक दिन के अंदर पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ठीक कर देंगे, तो आप दीवाने का ख्वाब है आपका भाईजान, ये ठीक ऐसे नहीं होनी। आपने जो 3 माह लगाए हैं क्रिकेट टीम को यहां तक पहुंचाने में, 6 माह लगेंगे या शायद साल लगेगा वापस उस जगह पे लाने में जहां पे वो थी 3 माह पहले थी, उस जगह पे लाने के लिए। ये आपको सच कड़वा लगेगा माजरत के साथ, बट ये सच है, ऐसा ही होगा। मैं हमेशा खिलाफ होता हूं कि करंट क्रिकेटर को आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ओहदा देके देख लें। एक और मैं बात आपको बता दूं, एक माहौल बनाया जा रहा है मोहम्मद रिजवान के खिलाफ, और वो जो बना रहे हैं ना वो मोहसिन नकवी साहब के 2 खबरियों में से एक खबरी है, जो टीम के साथ मोहसिन नकवी साहब के 2 खबरी हैं उनमें से एक खबरी है जो माहौल बना रहा है जनाब रिजवान के खिलाफ, वो मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगा, बात कहीं और चली जाएगी। बट माई पॉइंट इज कि भयन, आप क्या मुझे एक चीज़ समझा दें, कोई बंदा समझा दे, ये मोहसिन नकवी साहब के बारे में बहुत तारीफ़ की जाती है कि बतौर निगरान वज़ीर आला उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया पंजाब में। मैं पॉलिटिकल करता नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं, मैं ना हाँ करूँगा मैं ना करूँगा, लेकिन अगर वो किया तो मैं उनको सिर्फ एक बात बता दूँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये क्रिकेट टीम है, ये इनकॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान पंजाब की, ये कोई नाअहल ब्यूरोक्रेट नहीं है जिन्होंने उसकी कान तो फाड़ के सीधे कर लोगे, ये क्रिकेटर्स हैं, 20-30 ब्यूरोक्रेट को जो झाड़ के फारिग करें ये क्रिकेटर्स, इनका इतना दिमाग है, ये बात हम मैं 100 मरतबा पहले भी कर चुका हूँ कि आप ये 2-धारी तलवार है पाकिस्तान क्रिकेट, आप जितना खींचेंगे उतना हाथ जख्मी करेंगे। आपने जो कह दिया ना कि ये कर दो वो कर दो, ये बड़के हैं, ये मीठा लड्डू होता है कि सर्जरी, हर चेयरमैन कहता है क्लीन ऑपरेशन क्लीन अप होगा सर्जरी होगी, ये मीठा लड्डू
कोई और खा ले, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मीठा मन है, मैं नहीं खाता ये मीठा लड्डू, क्योंकि मुझे पता है कोई सर्जरी नहीं होनी, कोई ऑपरेशन नहीं होना, कर नहीं सकता कोई, कोई कर नहीं सकता, क्योंकि गलत जगह सर्जरी कर रहे हैं पायन, तकलीफ आंख में है। अब दिल में सर्जरी करके क्या करेंगे आप, सर्जरी गलत है, मरीज ठीक नहीं होगा, करके देख लें आप, जो हालत है उससे मजीद खराब होगी, ना हो मैं बोलना छोड़ दूंगा, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, मैं ऑन रेकॉर्ड कह रहा हूँ, पाकिस्तान टीम के अंदर कोई सर्जरी हो ही नहीं सकती, जो आप सोच रहे हैं वैसी नहीं हो सकती। आप क्या सोच रहे हैं कि आप बाबर आजम को भेजेंगे, आप शाहीन अफरीदी को भेजेंगे, आप रिजवान को भेजेंगे, आप किसको भेजेंगे, आप इनको भेजने की बात करते हैं, आप भेज सकते हैं इनको। आपने हारिस रऊफ को बैन किया सिलेक्शन सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से, 3 हफ्तों के बाद आपको वापस लेना पड़ा हारिस रऊफ नो 3 चो 13 चो, तुसी बाबर आजम शहीन रिजवान तो बाकियों को फारिग करेंगे आप, नहीं कर सकते आप। ये वो खिलाड़ी थे जो एक दूसरे के लिए जान देने की बातें करते थे, आप एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, क्यों? मेरा क्वेश्चन एक है, क्यों? ये वही खिलाड़ी थे, यही बाबर आजम कप्तान थे, यही बाबर आजम कप्तान थे, जब नदम शेट्टी ने कहा मैंने कप्तान चेंज करना है तो खड़ा हो गया था शहीन, आज वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, क्यों? ये नहीं कोई देख रहा, क्यों? आप कह रहे हैं ये कॉम्पिटेंट क्रिकेट बोर्ड है, ये सब ठीक कर देगा, माजरत के साथ ठीक को कुछ खराब किया गया, अब इसको अगर ठीक करना है तो 6 साल लगेंगे। और मैंने पहले भी एक बात की थी, आप बड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आप क्रिकेटर्स को कहते हैं कि ईगो छोड़िए, तो खुदा रहा आप भी ईगो छोड़िए। आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं ऑपरेशन सर्जरी कर दूंगा, ये क्रिकेटर्स हैं, खुदा की कसम खा के मैं कहता हूं इस टीम के आधे क्रिकेटर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आधे क्रिकेटर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप उनको टीम से निकाल दीजिए। पूरे दुनिया में 10 लीगें होती हैं, 10वां तो वैसे ही बिजी हैं, आपके पूरे वर्ल्ड कप में इतने पैसे नहीं मिलते, $114 TRDI है पाकिस्तान क्रिकेटर का, $114 TRDI है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो $1,00,000 लेते हैं लीग्स में, वो खेल लेंगे, उनको पैसे का फर्क है ना, उनको पॉपुलरिटी का फर्क है ना फेम का, कोई मसला नहीं है। मोहम्मद आमिर को अपने लिया ना, कहां से लिया, लीग खेल रहे थे, वही मोहम्मद आमिर जिनको बोर्ड अपने घर में, वही मोहम्मद आमिर जिनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में घुसने नहीं दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनको आप आंखों में पलकों में बिठा के लेके आए थे, लाए थे ना, आप निकाल देंगे कोई और ले आएगा, ये हल नहीं है। हल ये है कि आप इन क्रिकेटर्स को उस पोजीशन पर बिठाएं जहां पे वो पहले थे, आप इनको, मैं कह रहा हूं, बाबर आजम को कप्तान बनाएं, रिजवान को बनाएं, शहीन को बनाएं, जिसको मर्जी बना दें, वो फर्क नहीं पड़ता, मगर क्रिकेटर्स के साथ कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना यार, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए आपस में। हम उस वक्त भी कहते थे आपने शहीन को हटा दिया, कम अज कम उनको थोड़ा सा इतमाद में लें, आप लोग समझते थे कि नहीं हंसी बड़े हैं क्रिकेट बोर्ड दें, ऐसी तैसी शहीन की गल ही कोई नहीं, संभाल लेंगे ऐसी, संभाल लो पाजन, ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, ये क्रिकेटर्स हैं। आप पाकिस्तानी शायकीन को समझ के आप स्टेटमेंट दे चुके हैं, मुझे पता है ये जस्ट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बट पॉइंट इज कि आप वाकई इसको सही करना चाहते हैं, ये मैं जानता हूँ आप करना चाहते हैं, बट आप स्टेप गलत ले रहे हैं, माजरत के साथ, आप जो जिनके ऊपर तकिया रखे हैं वो गलत हैं, उनकी नीयत खराब है भाइयन, आप उनको उन पर भरोसा रख के आप अपना इमेज खराब कर रहे हैं, जो बहुत बेहतर है जो खराब हो रहा है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब आपको, कि आप मनोमन आंखें बंद करके एक बंदे पर इतना भरोसा मत कीजिए। सब कह रहे हैं कि वहाब रियाज की प्रॉब्लम हो रहा है, सब कह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी जॉब सीकर्स की भरी हुई कमेटी है, आप मान लीजिए, आप मुझे इंडिया का बैटिंग कोच का नाम बता दीजिए, मोहसिन नकवी साहब आप अपनी टीम से पूछें इंडिया का बैटिंग कोच का नाम क्या है, उनके बॉलिंग कोच का नाम क्या है, उनकी फील्डिंग कोच का नाम क्या है, छोटे हैं नाम के, काम के बड़े हैं, क्योंकि प्रोसेस से ऊपर आए हैं वो। आप अजीत अगरकर हैं, मोहम्मद यूसुफ उनसे बड़ा नाम, अब्दुल रजाक उनसे बड़ा नाम, लेकिन अजीत अगरकर हैं उनके चीफ सेलेक्टर, प्रोफेशनल बंदे हैं वो, ये टीवी पे बैठ के कुछ और बोलते हैं और जब बोर्ड में नौकरी मिलती है कुछ और बोलते हैं, आपको नहीं पता चल रहा, पता चल रहा है आपको, फिर आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये लोग इतने कॉम्पिटेंट हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को उठा लेंगे, वो क्रिकेट जिसमें टैलेंट की कमी हो रही है, ये भी एक सच है, वो क्रिकेट जिसमें टैलेंट की कमी हो रही है उस क्रिकेट को ये कैसे उठा लेंगे, मुझे बता दीजिए आप, जो खुद भी कॉम्पिटेंट नहीं है, जो खुद जॉब सीकर हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेटर्स को इज्जत देनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए खेला है, बट जो खेला है अब उनको खुद भी ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने कद के मुताबिक काम भी करें, माजरत के साथ वो भी करें। मुझे लगता है कि ये बातें सुन के शायद किसी को लग रहा होगा कि मैं मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं जो सच है वो बता रहा हूं कि भाईजान आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता कि मैं उन्होंने घर भिजवा दूंगा, उन्होंने घर भिजवा दूंगा, आधे से ज्यादा टीम चाहती है भिजवा दें आप। इमाद वसीम ने छोड़ा क्यों छोड़ा, आप पहले हफीज की सुन लें, हफीज साहब ने उनको फोन किया था पाए वो नहीं आए थे, क्योंकि वो कहते पाए मैं लीग खेल, अभी भी वो सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए आए हैं। आप जो लोग समझ रहे हैं ना कि इमाद वसीम को निकाल देंगे, आमिर को निकाल देंगे, निकाल दें उनको, वो तो उन्होंने कहा नहीं समझ लो, तुसी ले आओ उन्होंने। और जो आप कह रहे हैं ना टीम हमारी खराब हुई है, आपने 3-4 चेहरे नए चेंज किए हैं, उस्मान खान मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने एक ब्रेव डिसीजन किया, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, बट मुझे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सिलेक्शन कमेटी से भी, अगर ये मोहसिन, क्योंकि ये फैसला मोहसिन नकवी साहब का था उस्मान खान को लेना, ना कि सिलेक्शन कमेटी का था,
तो सिलेक्शन कमेटी वालों ने समझाया नहीं मोहसिन नकवी साहब को कि सर ठीक है आप बड़े हैं आप कर सकते हैं, बट पॉइंट इज कि हमारा अब्दुल्ला शफीक उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, हमारा सौ शकील उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, हमारे पास अपने इतने अच्छे क्रिकेटर पड़े हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे को तंग करने की। इस बेचारे का अपना करियर है, ये जाके ILT भी खेल लेगा, UAE की टीम से भी खेल लेगा, इसका करियर भी सेफ रहेगा, हमारी टीम भी मजबूत रहेगी। आपने उस वक्त पॉपुलर डिसीजन लिए। ये दोस्तों ब्लॉग करने का मेरा मकसद ये है कि ये क्रिकेट हमारी है, ये क्रिकेटर सब हमारे हैं। जितना गुस्सा मुझे है कि हमारी टीम कितना बुरा खेल रही है, हम लोग तो कवर करने आए हैं ना, जितना आम शायक उनके शायद हमें उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी एफिलिएशन थोड़ी ज़्यादा है। हमें पाकिस्तान टीम जीती है, हमें लगता है हमारा कोई अपना जीता है, आपको लगता है पाकिस्तान जीता है, बट हमें लगता है हमारा कोई अपना भी जीता है साथ में, क्योंकि हमारी इनके साथ एफिलिएशन है, क्रिकेटर्स के साथ जॉब ऐसी है कि हम उनके गलत करने पर हमें बोलना भी पड़ता है, जिस वजह से कुछ क्रिकेटर नाराज भी होते हैं। बट मैं फिर भी कहता हूँ ये क्रिकेट है तो हम हैं, कम अज़ कम मैं तो तभी हूँ क्योंकि मेरा काम है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम ये है। अगर कहीं गलत हो रहा होगा मुझे लग रहा होगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि भाईजान आप मिल बैठ के इस मामले को हल कीजिए। पहली बात तो ये कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द वर्ल्ड कप, बट फिर भी आप मामले को सुलझाइए। आप ये समझ रहे हैं कि टीम के खिलाड़ी क्या जानबूझ कर ठीक नहीं खेल रहे हैं या कुछ ऐसा है या खुदा ना खासा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इनकी दिल लगी नहीं हो रही आपस में, जिससे जो पहले यूनिटी थी ना वैसी नहीं है इसमें, ये इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, खिलाड़ी कुछ अपनी दोस्ती जारी में भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि आपकी एक दो मूव के बाद ग्रुपबंदी बनी, आपकी एक दो मूव के बाद, ये पहली नहीं थी। ये 2022 उठा के देख लीजिए, यही खिलाड़ी खेले हैं, अगर इतने इनकॉम्पिटेंट थे तो फाइनल कैसे खेले गए, और इससे पहले 2021 में ये सेमीफाइनल खेले हैं। ये चेयरमैन कौन आता है कौन नहीं आता इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए कि सब चीज़ें खुद ब खुद चल रही हों। चेयरमैन का काम एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, ना कि क्रिकेटिंग डिसीजन के ऊपर होता है, जो कि खुद मोहसिन नकवी साहब कहते हैं, बट कोई भी चेयरमैन हो पाकिस्तान क्रिकेट में वो यही कहता है कि मैं नहीं कर रहा, करता वही है, ये एक सच है। मुझे लगता है दोस्तों ऑपरेशन क्लीनअप की जरूरत है, और ऑपरेशन क्लीनअप का मतलब ये नहीं कि तुम मतलब कह दो कर चले जाओ, ऐसा नहीं होता। आपकी कॉम्पिटेंसी ये होती है कि आप लोगों से काम लें, ना कि लोगों को घर बिठाएं। मेरा ये मानना है, आपका भी यही मानना होगा, कि कॉम्पिटेंसी ये नहीं होती कि आप काबल बंदे को घर बैठा दे कि नहीं ये नखरे बहुत कर दे, ईगो प्रॉब्लम ये वो, ऐसा नहीं है। अगर ईगो प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान में सबको ईगो प्रॉब्लम है, आप पहले अपनी ईगो दूर कीजिए। मुझे लगता है दोस्तों कि ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ी इस लेवल पे आ गई है, या इसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। अब आपकी अपनी क्या राय है, अपनी राय मैं इनके सोच में जरूर आएगा। मैं तो सप्ताह के लिए इतना ही चाहते दीजिए, अल्लाह हाफिज़।